अज जलंधर के पंजाब प्रैस क्लब विखे बहुजन समाज पार्टी वालों प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। इत्थे टांडा तो लखविंदर सिंह लखी BSP विच शामिल होए हैं। इस मौके बहुजन समाज पार्टी के सूबा प्रधान जसवीर सिंह अड़ी का कहना है कि लखविंदर सिंह 2022 दीयां चोणां वास्ते हलका इंचार्ज के नाल नाल संभावी उम्मीदवार भी हो सकते हैं। उन्होंने कहना है कि 4.5 साल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू हमेशा ही चलती जंग छड़ के भज जाते हैं। मैनू उम्मीद है कि 2022 दीयां चोणां तो पहला कांग्रेस की प्रधानगी छड़ जाएंगे। उन्हां यह भी कहा कि पंजाबियों दीयां अरदासां करके श्री करतारपुर साहब लांघा खुलिया सी, ना कि सिद्धू करके। अज सरदार लखविंदर सिंह लखी जिहड़े बहुजन समाज पार्टी में शामिल होए आ और बहुजन समाज पार्टी ने उन्हां नूं पंजाब दे इंचार्ज श्री रणधीर सिंह बैनीवाल जी और भैण कुमारी मायावती जी के निर्देशों में उन्हां नूं हलका टांडा का हलका इंचार्ज लगाया गया विधानसभा टांडा का और बहुजन समाज पार्टी के वो जिहड़े संभावी उम्मीदवार है वह हो सकते हैं। जदों भी भैण कुमारी मायावती जी इहदे बारे ऐलान करनगे उन्हां नूं भावी तौर पर जिहड़ा उम्मीदवार है वह डिकलेयर किया जाएगा। अज जिहड़ा 4.5 साल सत्ता का राज कांग्रेस का निकल चुका है और कांग्रेस ने दशमेश पिता के नाल कसम खाधी सी वीडियो बना के लाइव होके और गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब की गुरबाणी मत्थे ना ला के और तख्त श्री दमदमा साहब वालू उन्होंने हथ करके कसम खाधी सी गुरबाणी की कि मैं पंजाब के लोगों के भले के हित में बड़े सारे काम कराँगा। लेकिन उन्होंने एक भी काम जिहड़ा आ जो उन्होंने गुरबाणी की कसम खा के कहा सी एक भी काम नहीं किया और पंजाबियों नूं ये जिहड़ी लाइव बेअदबी गुरु साहब की गुरबाणी की इन्होंने की बहुजन समाज पार्टी और श्रोमणी अकाली दल इन्हों सत्ता चो दूर करन दा काम करेगा। देखो सिद्धू साहब जिहड़े आ उह हमेशा चलती जंग चो भज्जण वाले उन्हों का सुभाअ रहा आ। जदों 88 दे विच 89 दे विच आस्ट्रेलिया दे नाल मैच सीगा ये चलता मैच छड के भज्ज आया सीगा और जदों भारतीय जनता पार्टी च भी रहा उत्थे नहीं टिक सकिया, फिर इन्हें अपनी पार्टी बना ली उत्थे भी टिक ना सकिया, फिर ये पिछली बारी आम आदमी पार्टी नाल गठजोड़ करने दी चर्चा करता सी उत्थे भी टिक नहीं सकिया और हुण भी जिहड़ी चर्चा सीगी पिछले 2.5 साल तो भोरा साहब दे विच बंद सीगा ते भोरा साहब च बंद सीगा इत्थे भी चर्चा चलती सीगी कि मैं आम आदमी पार्टी जा रहा वह भी भज गया और जिहड़ी सरकार इहनूं मंत्रालय दित्ता सी मंत्रालय तो भज गया और सरकार ने नवा बिजली महकमा दिता उत्थों भी भज गया। हर जगह तो जिहदा भज्जण दा किरदार होवे ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ SGP ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ SGP ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲਣ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਹਸਤਪੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਆਰਟੀਕਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ 1 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 4 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਮਾਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਆ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ।